हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में भी हम जानने वाले हैं एक और बेहतरीन मेथड के बारे में, एक स्ट्रेटजी के बारे में, एक प्लेटफॉर्म के बारे में जहां पर आप एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए ऑनलाइन अर्निंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको डेफिनेटली हर रोज इसी प्रकार के अपडेट्स मिलते रहें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको क्या मिलेगा, किस प्रकार कंटेंट देखने को मिलेगा। तो बेसिकली हम देखते हैं कि लोग ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए किन प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं, ऑनलाइन अर्निंग के कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लोग किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं, और कुछ पॉजिटिव चीज, कुछ पॉजिटिव प्लेटफॉर्म मिलता है तो उसको आपके साथ प्रैक्टिकली शेयर करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार के अपडेट्स हर रोज मिलते रहें तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अभी हम इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम ऑनलाइन अर्निंग के इस मेथड में जो इस वीडियो में हम डिस्कवर करने वाले हैं उसके लिए हमें एफिलिएट मार्केटिंग को इंक्लूड करना पड़ेगा। और एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आप किसी भी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने कोई ना कोई प्लेटफॉर्म जरूर ज्वाइन कर रखा होगा अगर आप ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्टेड हैं। जैसे कि आप क्लिकबैंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप डिजिटो 24 को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी कुछ कमेंट्स अपने को मिले थे कि अमेजोन के बारे में भी अपन लेके चलें, तो आने वाले वीडियोस में हम अमेजोन को भी डिस्कवर करेंगे। धीरे धीरे अमेजोन के भी बहुत सारे प्रमोशनल मेथड्स हो सकते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आपने ज्वाइन कर रखे हैं तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा JVZoo, WordPress वगैरह प्लेटफॉर्म भी हैं, उन पर भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, अभी हम क्लिकबैंक पे हैं। अगर यहाँ पे अपने सर्च करके देखें रैंडम, तो इसमें से जो टॉप ऑफर्स हैं वो आपको यहाँ पर क्लिकबैंक पर दिख जाएंगे। और इसी प्रकार से यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अगर आप पहली बार इन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हो तो इनको आप एफिलिएट प्रोग्राम भी कह सकते हो, एफिलिएट मार्केट प्लेस कह सकते हो, या फिर आप सिंपली एक वेबसाइट की तरह ट्रीट कर सकते हो जहाँ पर आपको बहुत सारे डिजिटल फिजिकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हमें उन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होता है, हमें एफिलिएट लिंक यहाँ से मिलता है। अगर हमारे एफिलिएट लिंक से कोई उन प्रोडक्ट्स को बाई करता है तो हम कमीशन के तौर पर अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कमीशन बहुत अच्छा खासा होता है। 70%, 75%, 80%, 85%, 90% तक के भी आपको बड़े कमीशन यहाँ पर मिल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर ये देख लीजिए आप, जैसे ये एक प्रोडक्ट है, अगर हम इसे प्रमोट करते हैं तो हमें यहाँ पर 85% का कमीशन मिलेगा, और अकॉर्डिंग टू 85% कमीशन वी कैन अर्न $129, ठीक है। तो आपको इस तरीके के कमीशन यहाँ पर मिलते हैं। इसी प्रकार से क्लिकबैंक भी है, तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, इन प्लेटफॉर्म को आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आज की इस वीडियो के लिए मैं इस्तेमाल करने वाला हूं डिजिटो 24 का। डिजिटो 24 में आपने साइन अप कर लेना फ्री में। आपको आना है यहां पर डेटिंग एंड लव एंड रिलेशनशिप में। बेसिकली कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं प्रोडक्ट बता रहा हूं आप वही प्रोडक्ट प्रमोट करें, आप कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको प्लेटफॉर्म बता रहा हूं, और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि लोग ऐसे प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, कि लोगों ने इस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया है, वो इस तरीके से ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगे तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, आप पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन ये बहुत ही पोटेंशियल वाला प्लेटफॉर्म या फिर पोटेंशियल वाला एक मेथड भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक प्रोडक्ट है, हिज सीक्रेट ऑब्सेशन। तो इसको जानेंगे हम किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करना है, इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर है सेल्स पेज, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इसका सेल्स पेज कैसा है, किस प्रकार का है। और ये है एफिलिएट सपोर्ट पेज। तो एफिलिएट सपोर्ट पेज में आपको पता है कि इन प्लेटफॉर्म में क्या मिलता है, आपको प्रमोट करने के लिए आर्टिकल्स भी मिल सकते हैं, फोटोज, वीडियोस, बैनर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। आप चाहें तो इनका यूज कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, जो वेंडर्स आपको ही प्रोवाइड करवाते हैं। अभी हम सेल्स पेज पर चल के देखते हैं। तो बेसिकली ये इसका सेल्स पेज है, ठीक है। आप सेल्स पेज यहाँ पे देख सकते हो, ये VSL है, और यहाँ पर एक बटन भी है स्किप टू द टेक्स्ट किया। अगर आप टेक्स्ट की फॉर्म में सेल्स पेज को देखना चाहते हैं तो अभी अपन देख सकते हैं, ठीक है। सेल्स पेज यानी कि जब कोई अपने एफिलिएट लिंक पर क्लिक करेगा तो वो सेल्स पेज पर ही आता है, वहीं से वो उस प्रोडक्ट को बाई कर सकता है। तो सेल्स पेज आपका डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एफिलिएट सपोर्ट पेज पर, तो हम इसके एफिलिएट सपोर्ट पेज पर पहुँच जाते हैं। ये है इसका एफिलिएट सपोर्ट पेज, ठीक है। तो यहाँ पर भी काफ़ी डेटा आपको मिल जाता है, देखो कितने सारे बैनर्स आपको मिल जाएंगे, ईमेल स्वाइप्स आपको मिल जाएंगे, अलग अलग प्रकार के आप एफिलिएट लिंक क्रिएट कर सकते हो, कस्टम रिपोर्ट्स आपको मिल जाते हैं जिसमें आप कस्टम PDF भी क्रिएट कर सकते हो, प्रोडक्ट रिव्यू अपन देख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर प्रोडक्ट रिव्यू पे अपन क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो हमारे सामने एक पॉपअप आएगा, इसको मैं यहाँ से स्किप कर देता हूँ। और अभी यहाँ पर कुछ ऑप्शन जो है वो चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी आपको आर्टिकल्स एंड लैंडिंग पेजेस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको आर्टिकल्स एंड लैंडिंग पेजेस पर फिर से क्लिक करना है। और आप यहाँ पे देखोगे कि आपको यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे देखो, ये 23 MB का एक फोल्डर है जो कि जिप फोल्डर में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर स्टार्ट द आर्टिकल्स डाउनलोड, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक बंडल डाउनलोड हो जाएगा जिसके अंदर के 5 से 6 आर्टिकल्स होंगे इस प्रोडक्ट के बारे में लिखे हुए अच्छे से, ठीक है। तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। हम आज की इस वीडियो में इस मेथड में हम इसी आर्टिकल्स का इन्हीं आर्टिकल का इस्तेमाल करने वाले हैं इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए।
उसके बाद वापस चलते हैं डिजिस्टोर पर। देखो इस प्रोडक्ट पर हमें 90% का कमीशन मिल रहा है, बहुत ही अच्छा कमीशन है, और अगर हमारी एक भी सेल होती है तो हम लगभग $47 की अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं। तो अर्निंग करने के लिए हमें इस प्रोडक्ट को शेयर करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा वहाँ पर जहाँ पर काफ़ी सारी ऑडियंस है इससे रिलेटेड हो, और ताकि वो लोग इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं, इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो उसमें हमारे एफिलिएट लिंक्स होंगे, अगर वो चाहें तो इस प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं। जितने ज़्यादा लोग इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे उतनी ज़्यादा आपके पास अर्निंग की पोटेंशियल है और उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अब हमारे पास आर्टिकल्स हैं जिसको कि आपने डाउनलोड कर लिया, लेकिन हमें अभी अपना एफिलिएट लिंक जनरेट करना है। तो एफिलिएट लिंक को जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पर एक प्रमोट का बटन मिलेगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका एफिलिएट लिंक जो है कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो यहाँ से आप इस लिंक को कॉपी कर लीजिएगा, आप चाहें तो कटली बिटली वगैरह से शॉर्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर बिटली से जो है शॉर्ट कर रखा है इस लिंक को, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पूरा आर्टिकल हमने वहाँ से डाउनलोड किया था इसको मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट में यहाँ पर रखा हुआ है। अच्छा, ये लेंथी आर्टिकल है और लंबा चौड़ा आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे बॉटम में आप बिल्कुल देखोगे तो ये मैंने वो अपना लिंक जो है एफिलिएट लिंक यहाँ पर शॉर्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं उस ट्रैफिक सोर्स के बारे में जहाँ पर बहुत सारे लोग अपने इसी तरह से प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, और किस तरीके से हम उसका यूज कर सकते हैं वो जानेंगे, और कितनी उसके अंदर पोटेंशियल है वो भी देखते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है गूगल में, और गूगल में आपको टाइप करना है आर्टिकल बीज। जैसे ही आप आर्टिकल बीज टाइप करोगे तो ये पहली वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अंदर यहाँ पे देखो कि हम आर्टिकल को सबमिट कर सकते हैं, और आर्टिकल सबमिट करने का फायदा क्या है वो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, सबमिट योर टॉप आर्टिकल्स फॉर मैक्सिमम एक्सपोजर एंड ड्राइव फ्री ट्रैफिक। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार की लाइन लिखी हुई है कि हम अपने आर्टिकल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो इस पर आप यहाँ पर क्लिक करोगे सबसे पहले तो आर्टिकल बीज पर, जैसे अपने इस पर क्लिक करते हैं तो हम इस वेबसाइट पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आर्टिकल बीज, और यहाँ पर आर्टिकल्स हैं, ऑथर्स हैं, पब्लिशर्स, कॉन्टैक्ट्स हैं, और सबमिट आर्टिकल का एक बटन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी पोटेंशियल देखने की कोशिश करते हैं, और पोटेंशियल देखने के लिए आपको क्या करना है, आप स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे आइए, यहाँ पर आपको कैटेगरीज दिखेंगी, बहुत सारी कैटेगरीज हैं इसके अंदर। चलिए अपने यहाँ पर जो एफिलिएट मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैटेगरी है हेल्थ एंड फिटनेस पर जाते हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको और स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर रिलेटेड कैटेगरीज में जाना है, और यहाँ पर आपको वेट लॉस पे क्लिक करना है। आप चाहें तो यहाँ पर किसी भी कैटेगरी के अंदर जाकर के देख सकते हैं, ये अभी वेट लॉस कैटेगरी मैंने खोली हुई है। यहाँ पे देखो 7 बेनिफिट ऑफ कीटो डाइट, इसको मैं अलग खोल लेता हूँ। उसके बाद हाउ टू लूज बेली फैट, इसको मैं अलग खोल लेता हूँ, जो कि 3 हफ्ते पहले ही यहाँ पर पोस्ट किया गया है। यहाँ पर देखो लूज वेट एफिशिएंटली, और यहाँ पर नीचे आओगे तो हाउ टू लूज वेट एंड कीप इट ऑफ, और स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको बहुत सारे इसके अंदर आर्टिकल्स मिल जाएंगे, लाखों आर्टिकल्स है इसके अंदर। तो आप किसी भी आर्टिकल को इंगेजमेंट के रूप में हम जान सकते हैं कि इसमें कितनी पोटेंशियल है। अभी देखो ये सिर्फ 3 महीने पहले पोस्ट किया गया, तो एक इसको खोल लेता हूँ। ठीक है, मैं तो अभी हमने 3 आर्टिकल्स को मैंने अलग अलग टैब में खोल लिया है, हम देखेंगे उनको कितने व्यूज़ आते हैं, लोगों ने एफिलिएट लिंक कहाँ पर लगाए हुए हैं, जिससे कि हमें पता चले कि कितना ये इसके अंदर पोटेंशियल है इस प्लेटफॉर्म के अंदर। तो सबसे पहला जो आर्टिकल हमने खोला था वो है 7 बेनिफिट ऑफ कीटो डाइट, यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर ऑथर का नाम है, कब पब्लिश किया गया तो आप देख सकते हो 18 मई को पब्लिश किया गया है, और इसके अंदर 647 वर्ड्स हैं। और अभी इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहाँ पर पाओगे कि पूरे आर्टिकल में कहीं भी एफिलिएट लिंक नहीं लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एफिलिएट लिंक लगा हुआ है, वो भी बिटली से शॉर्ट करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो एफिलिएट लिंक हम इसमें लगा सकते हैं, और ये क्लिकेबल है, इस पर आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखो कॉपी लिंक एड्रेस, यानी कि लिंक लगा हुआ है डायरेक्ट, और यहाँ पर एक नीचे लिखा हुआ है दिस आर्टिकल हैज़ बीन व्यूड 548 टाइम्स, यानी कि 550 व्यूज अभी तक इसको मिले हैं, जबकि ये 2 हफ्ते पहले आर्टिकल जो है वो पोस्ट किया गया है। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट आर्टिकल खोला था वो देख लेते हैं। तो अगला जो आर्टिकल हमने खोला था वो है हाउ टू लूज वेली फैट। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे तो 600 वर्ड्स का ये आर्टिकल है, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे अपन, और यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने लिंक कहाँ पर लगाए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरी यूजफुल के नाम से एक लिंक लगा हुआ है, और ये आर्टिकल रिसोर्स है, ये वो लिंक नहीं है, ये इनका एफिलिएट लिंक है जो कि बिटली से लगा हुआ है। और अभी आप यहाँ पे देखोगे तो दिस आर्टिकल हैज़ बीन व्यूड 174 टाइम्स, यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स ऐसे मिल जाएंगे जिस पर लाखों व्यूज़ हैं। ठीक है, आप उस कैटेगरी के जाके मोस्ट पॉपुलर आर्टिकल्स जो है उनके अंदर आप चेक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर आपको मिल सकता है। चलिए एक और आर्टिकल हमने इसमें देखा था उसको देख लेते हैं, डू यू रियली वेंट टू लूज वेट, तो इसको स्क्रोल डाउन करते हैं, ये सिर्फ 500 वर्ड्स का आर्टिकल है, छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखो दिस आर्टिकल हैज़ बीन व्यूड 598 टाइम्स। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो अभी पोस्ट किए गए हैं। ठीक है, ज़्यादा समय इनको नहीं हुआ है, बट इसके अंदर व्यूज़ बहुत अच्छे मिल सकते हैं आपको। तो हमें करना क्या है, इसके अंदर अपने आर्टिकल को सबमिट करना होगा, अपने एफिलिएट लिंक्स डालने पड़ेंगे ताकि इस पर कुछ ट्रैफिक आए। तो हमें लोग क्या करते हैं, इस वेबसाइट का लोग इस्तेमाल भी करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, वो लोग यहाँ से आर्टिकल्स को लेते हैं और कहीं अपने वेबसाइट वगैरह पर या कहीं कुछ बताना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन के तौर पर सोशल मीडिया वगैरह पर, तो वहाँ पर इन आर्टिकल्स को शेयर करते हैं। ठीक है, जब भी शेयर करेंगे तो आपका एक बैकलिंक भी एक तरीके से जनरेट होता है, वहाँ से भी आपको ट्रैफिक मिलने की और पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है,
तो चलिए अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जानते हैं कैसे आप आर्टिकल सबमिट करोगे। आर्टिकल सबमिट करने के लिए आपको यहाँ पर सबमिट ए आर्टिकल का बटन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऑथर नेम, तो यहाँ पर अपने का ऑथर नेम लिखना होता है, आप अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस डालना है, और चलिए यहाँ पर हम अपना ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। उसके बाद आर्टिकल का टाइटल आपको यहाँ पर डालना है, तो आर्टिकल के टाइटल के लिए हम चलते हैं अपने आर्टिकल पर और यहाँ से अपने इसका टाइटल यहाँ से कॉपी करेंगे। तो यहाँ से इसको को मैंने कॉपी किया और वापस चलते हैं और यहाँ पर टाइटल अपने पेस्ट करेंगे। उसके बाद कैटेगरी, इस पर आपने क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बहुत सारी कैटेगरी जो उसकी सब कैटेगरी दिखेंगी, तो आपको अपने आर्टिकल से रिलेटेड कैटेगरी को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट में एडवाइस को टिक करता हूँ। आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी वहाँ पे सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आर्टिकल बॉडी पे आना है आपको, और यहाँ पर आपको अपना पूरा आर्टिकल यहाँ पे पेस्ट करना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पूरी बॉडी में कहीं भी अपना एफिलिएट लिंक नहीं लगाना है, ठीक है। तो एफिलिएट लिंक कहाँ पे लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हम इस पूरे आर्टिकल को कॉपी करते हैं यहाँ से, और यहाँ पर इसके बॉडी सेक्शन में इसे इस आर्टिकल को जो हमने वहाँ से कॉपी किया इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करिए थोड़ा, यहाँ पर है रिसोर्स बॉक्स, ठीक है। तो आपको अपनी तरफ से कुछ डेटा यहाँ पर लिखना है, जैसे कि आप कॉल टू एक्शन बटन लगाओगे। आप इसके लिए दूसरे आर्टिकल्स का भी आइडिया ले सकते हो, उनको देख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं इस प्रकार का। तो मैंने ऑलरेडी उसमें से जो सारा डेटा कॉपी नहीं किया था, ये जो लास्ट का कुछ डेटा 2-4 लाइन इसको मैंने छोड़ दिया था, तो यहाँ से अब इसको कॉपी करेंगे और अपने इस रिसोर्स बॉक्स में यहाँ पर डाल देंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो है अपने कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि क्लिक हेयर नाउ टू डिस्कवर एन यहाँ पर, ठीक है। तो क्लिक हेयर के अंदर हम अपना जो है लिंक वो पेस्ट करेंगे। तो ये हमारा लिंक है यहाँ पर जो हमने रखा था जनरेट करके, इसको मैं कॉपी करूँगा और वापस जाएंगे और यहाँ पर बीच में हम इस लिंक को पेस्ट कर देंगे। ओके, दैट्स इट, स्पेस जनरेट कर देंगे, यानी कि लिंक के अंदर स्पेस नहीं डालना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये लिंक परफेक्ट आपको पूरा लिंक यहाँ पर डालना है, स्पेस डालने की जरूरत नहीं है, लिंक डायरेक्ट काम करता है। और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि इस बॉक्स में भी अंदर आप मैक्सिमम 2 लिंक डाल सकते हो, तो लिंक तो एक ही काफ़ी है बट आप मैक्सिमम 2 डाल सकते हो, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद इसको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे चैलेंज क्वेश्चन यानी कि कैप्चा के रूप में है 6+3, तो आपको वो यहाँ पर टाइप करने हैं 9, देन आपको इन दोनों को टिक करना है और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो प्लीज़ रिव्यू योर आर्टिकल सबमिशन फॉर कम्प्लीटनेस, ठीक है। तो कम्प्लीट करने के लिए हमें सबमिट फॉर रिव्यू करना पड़ेगा, और उससे पहले आप देख सकते हो कि क्या आपको लगता है कि आपके आर्टिकल में कुछ चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि हमने इसको अच्छे से मॉडिफाई नहीं किया। आप चाहें तो इसको अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये हमारे एफिलिएट लिंक है जो कि डायरेक्ट यहाँ पर काम कर रहा है, तो अभी मेरे हिसाब से तो ये परफेक्ट है, तो मैं इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना चाहता। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो मेक एडिट्स पे क्लिक करोगे तो आप वापस इसके एडिट व्यू में पहुँच जाओगे। अभी आपको क्लिक करना है सबमिट फॉर रिव्यू। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो योर आर्टिकल हैज़ बीन सबमिटेड, लिस्टेड बिलो योर आर सबमिटेड आर्टिकल ओवर द लास्ट 19 डेज, यानी कि जो हमने लास्ट 90 दिनों में यहाँ पर जो आर्टिकल्स हैं वो डाले हैं वो यहाँ पे दिखेगा। और नीचे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, वी रिक्वायर्ड योर ईमेल एड्रेस टू बी वेरीफाइड, प्लीज चेक योर ईमेल, यहाँ पर जो हमारे ईमेल एड्रेस पर इन्होंने एक लिंक भेजा उसको हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, तभी हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक वेरीफिकेशन मेल आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो support@articlebiz.com से, तो यहाँ पर क्लिक करके अपन इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड, ठीक है। तो जैसे ही थोड़ा सा रिव्यू में रहता है आपका आर्टिकल, और उसके बाद आपका आर्टिकल वहाँ पर लाइव हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेक हिम, इस पर क्लिक करके आप अपने आर्टिकल को देख भी सकते हो, तो आपका आर्टिकल वहाँ पर डेफिनेटली लाइव हो जाएगा। अगर आपने अच्छे से उसको फॉलो किया है, यानी कि ज़्यादा जगह आपने लिंक नहीं दिए हैं, सिर्फ रिसोर्स बॉक्स में लिंक दिए, तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर आपके आर्टिकल को पब्लिश करने में। और यहाँ पर इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट है इस वेबसाइट के, आप चाहें तो अपने वेबसाइट या ब्लॉग के लिए अपने बैकलिंक भी जनरेट कर सकते हो, उसके लिए भी ट्रैफिक लेके जा सकते हो। और एफिलिएट के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, आप यहाँ पर अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स को फ्री में आर्टिकल्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, ऑनलाइन अर्निंग के लिए। अगर आपको भी अच्छा लगा ये प्लेटफॉर्म तो डेफिनेटली आप भी इसे यूज कर सकते हैं। आई होप जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई इशू है, कोई आपको प्रॉब्लम आई, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, या फिर हमारे लिए कोई सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और अभी हम इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।